लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। गाना चाहे कोई भी हो, भक्ति गीत हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो, लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मोहा है। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी, वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। इतना समर्पित जीवन आज हम सबके बीच में नहीं रहा है। युगों तक लता जी की स्वर साधना और लता जी की आवाज और लता जी का संगीत के प्रति लगाव अनेक पीढ़ियों तक सबको प्रेरणा देता रहेगा। और आज जब लता जी नहीं रही है, तब मेरे जैसे करोड़ों उनके चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं और ये जो शून्यावकाश हुआ है वो काफी लंबे समय तक भारतीय संगीत में उसकी क्षतिपूर्ति होना मैं असंभव देखता हूं। लता मंगेशकर ने अनेक भारतीय भाषाओं के संगीत को भी अपने योगदान से मजबूत करा, लोकप्रिय किया और मूल शास्त्रीय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीढ़ी को भी शास्त्रीय संगीत को जानने का और उसकी मधुरता को पहचानने का मौका दिया। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है, हमेशा गीता में, ईश्वर में इनकी श्रद्धा रही। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वाले को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति।